सीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे को लेकर आज अभ्यर्थियों ने पैदल मार्च निकाला है। पटना कॉलेज से राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेटिंग कर रोक दिया है। उनकी मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का राजभवन मार्च रास्ते में पैदल मार्च निकाला है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर अभ्यर्थियों को रोक दिया है और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मरगूब, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं। हंगामे की क्या तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इनकी? परीक्षा में धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कई लगातार चल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ऑफिस के नजदीक इन लोगों का धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचे थे, लेकिन आज इन लोगों का राजभवन मार्च है। पटना के पटना कॉलेज से ये राजभवन मार्च निकला है, पटना के जेपी गोलंबर पर पहुंचा है और यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, मजिस्ट्रेट मौजूद है, SDM मौजूद है और इनको रोक दिया गया है। फिलहाल ये लोग यहाँ जमे हुए हैं। इनका कहना है कि ये लोग राजभवन जाएंगे, लेकिन पुलिस इन्हें जाने की इजाजत किसी हालत में नहीं दे सकती। इससे आगे का जो इलाका है वो प्रतिबंधित इलाका है। फिलहाल इस पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि जो प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है उसे महामहिम राज्यपाल के अधिकारियों से मिलाया जाएगा। ये पूरा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन के साथ साथ बर्ड मारने के साथ साथ पुलिस की भारी संख्या है। 4 थाना अध्यक्ष को लगाया गया है, 2 DSP हैं, SDM मौजूद हैं और वाटर कैनन के साथ साथ बर्ज वाहन और 5 व्हीलर की गाड़ियों को लगाया गया है। भारी संख्या में महिला पुलिस को लगाया गया है और फिलहाल इनके प्रदर्शन को रोक दिया गया है। सवाल सीधा है, इन लोगों ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी CBI से जांच कराने की मांग को लेकर ये लोग हंगामा प्रदर्शन पर उतारे हैं। फिलहाल आज इनका राजभवन मार्च है, यही कारण है कि अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ इनके राजभवन मार्च को रोक दिया है। फिलहाल देखना है करिश्मा आगे क्या हो पाता है। फिलहाल किसी को जेपी गोलंबर से जाने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। पुलिस के अधिकारी का कहना है अगर ये लोग कानून तोड़ेंगे तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल मरगूब, लगातार आप वहाँ पर बने हुए तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, हमने भी तस्वीरें देखी। ऐसे में बात करें तो क्या ये जो बीपीएससी अभ्यर्थी वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि बैरिकेटिंग कर उन्हें रोक दिया गया है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा, क्या इन अभ्यर्थियों से भी कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए अधिकारी भी मौजूद है यहाँ और सभी तरह के SDM मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद है। हम 1-2 अभ्यर्थी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है, आखिर क्यों, किस तरीके से आखिर राजभवन मार्च की नौबत क्यों आई, किस तरीके से आप लोगों ने राजभवन परीक्षा के मामले में तो सबने बहुत तारीफ की थी कि परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, लेकिन परीक्षा अच्छे ढंग से होने के बाद जब रिजल्ट की बात आई तो उसमें बहुत सारी धांधली देखी जा रही है। बहुत सारी धांधली कहने का मतलब, सबसे पहले तो जो हमारे टीचर्स थे उनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वर्षों से देख रहे हैं, उनने भी एक कटअप का एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 100 के आसपास आ जाएगा, लेकिन बीपीएससी ने सीधा उसको 113 ले गया। हमारी मांग सबसे पहले है कि पूरे बीपीएससी की CBI जाँच हो 67वीं परीक्षा में, और उसके बाद जो भी अभी मतलब जो पहले आंसर की दिया गया था और फिर बाद में आंसर की दिया गया है, बाद में जो भी आंसर की दिया गया है वो आप किस सोर्स से आंसर दे रहे हैं? हमारे हिसाब से हमने जो भी बुक्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हमने तो जो 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम गलत मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं हम लोग 6 या 7 क्वेश्चन को, तो बीपीएससी ये बताए कि आप कहाँ से ये खोज। देखिए ये सरकार की तनाशाही चल रही है, लेकिन ये तनाशाही के खिलाफ सुन लीजिए, हर बिहार की धरती से भगत सिंह एक निकलेंगे और एक खुदीराम बोस और झांसी की रानी निकलेगी। ये चैलेंज है बीपीएससी स्टूडेंट के लिए, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं सारे स्टूडेंट के लिए चैलेंज है। और नीतीश कुमार अभी 2024 बाकी है, 2025 बाकी है, आप ख्वाब मत देखिए प्रधानमंत्री का। अब ये लोग
प्रदर्शन से लोकसभा विधानसभा चुनाव पे चले गए। निश्चित तौर पर शायद कहीं से यह नहीं होना है, लेकिन इन लोग का कहना है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। बिल्कुल, फिलहाल अधिकारी है सीबीआई जांच की मांग करे, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं बीपीएस सेवा। तमाम तस्वीरें मरगूब वहां की साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।